भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर 75 घंटे के लिए धरना शुरू कर दिया। भाकियू का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। बाकी महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव ने बताया कि इस धरने से कई मुद्दे की लड़ाई और लड़ी जाएगी, जैसे किसानों का MSP, गन्ने के दाम में बढ़ोतरी, बिजली के बिल की समस्या और मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि 75 घंटे के बाद जो हाईकमान का आदेश होगा उसी के तहत आगे की रणनीति तय की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा लखीमपुर खीरी में मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन लखीमपुर खीरी प्रशासन ने धरने स्थल पर लाइट और पानी की व्यवस्था को बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन के गुस्साए पदाधिकारियों ने सभी जिला मुख्यालयों पर 75 घंटे धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर 75 घंटे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी हाईकमान के आदेश होंगे उसी के तहत आगे की रणनीतियां तैयार की जाएंगी। भारतीय जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय से हटाने वाले सवाल पर कहा, यदि प्रशासन के अधिकारियों ने कोशिश करी तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये भारतीय किसान यूनियन का मंच है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष गुलबहार राहुल ने रॉयल बुलेटिन से बातचीत करते हुए कहा कि ये धरना प्रदर्शन 3 दिन तक चलेगा और यहीं पर भट्टी चढ़ेगी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर ही रात को सोएंगे और दिन में प्रदर्शन चलेगा। आपको बता दें, कचहरी परिसर के बाहर खाना नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौजूद है, जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं। जनपद का खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार आला अधिकारियों को भागियों कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट दे रही है। आपको बता दें, देर शाम हुए प्रदर्शन में अभी तक सैकड़ों किसान पहुंच चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों की माने तो ये संख्या सुबह तक हजारों में पहुंच जाएगी। देखो, भारतीय किसान यूनियन की संयुक्त किसान मोर्चा की ये पहले घोषणा हो चुकी थी कि 18, 19, 20 75 घंटे का आंदोलन लखीमपुर खीरी में। केंद्रीय मंत्री जो हमारे अजय कुमार मिश्र टेनी की उनकी बर्खास्ती को लेकर 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम था, 75 घंटे का आंदोलन था। लेकिन वहाँ के DM ने, वहाँ के प्रशासन ने, इस सरकार ने, जो लोग बाहर के गए हुए हैं, काफ़ी संख्या में गए हुए हैं, उनके लिए न तो वहाँ पानी की व्यवस्था करी, न वहाँ शौचालय की व्यवस्था करी, न कोई भी सुविधा नहीं दी। जानबूझकर तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी बात को देखते हुए सभी जिला मुख्यालय में 75 घंटे का आंदोलन अभी तुरंत अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया है। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, हो सकता है तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन में भी तब्दील हो जाए। इस संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जी के द्वारा कराया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा कर दी गई है। सभी कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर यह सुचारू रूप से चल जाएगा। अगर बीच में प्रशासन द्वारा हटाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये भारतीय किसान यूनियन का मंच है, यहाँ छेड़छाड़ करने का अंजाम बहुत गलत हो जाएगा। हमारी प्रशासन से ये मांगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन में बैठे हैं, वहाँ सब सुविधा बहाल कर दो, जैसे वहाँ से आदेश होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। गुलवार राव, महानगर अध्यक्ष टिकैत, मुजफ्फरनगर। आज DM ऑफिस पर शाम के टाइम से धरना शुरू किया गया, क्या पूरा मामला है? ये धरना इसलिए दिया गया, जो टैनी वाला मामला चल रहा है वहाँ लखीमपुर, वहाँ टिकैत साहब गए थे, ठीक, अब उनके आदेश हुए 75 घंटे कलेक्ट्रेट पे धरना दिया जाए। जो मांगे थी टैनी को बर्खास्त, ठीक है जी, और जो भी मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे हैं, गन्ने के, बिजली के, MSP के, एक यो कानून जाएगा अग्निवीर, इनके सब मुद्दों के लेकर आया धरना कलेक्ट्रेट पर, हर पूरे प्रदेश में, हर कलेक्ट्रेट पर, हर जिले कलेक्ट्रेट। कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना चलेगा 75 घंटे। अगर 75 घंटे में मांगे पूरी नहीं होती तो उसके तो आगे के वो ऊपर जो हाईकमान का आदेश होगा उसी का पालन होगा। यहाँ कलेक्ट्रेट घेरे बैठे हुए, अगर अधिकारियों को आपके यहाँ फायदा गया अधिकारी द्वारा, तो क्या करेंगे? और क्यों हमको कमजोरेंगे हैं भाई, यहाँ से उठ जाएंगे जब तक आदेश ऊपर से नहीं होने के, जब तक कोई धरना नहीं उठेगा, कोई रात को भी यहीं रहेंगे, यही खाना बनेगा,
ये भट्टी चढ़ेंगे, अभी भट्टी चढ़ जाएगी, बस आ लग रहा सामान खाने के लिए। ठीक है जी, किस तरह की मांग करते हैं? ये लिए ज्ञापन दिया जाएगा? बस ज्ञापन तो जो चौधरी साहब का आदेश होगा उसे देंगे, पहले धरना पूरा तो हो जाने दो। 75 घंटे 75 घंटे के बाद जो ऊपर से हाईकमान का आदेश होगा उस उनके आदेश के अनुसार काम होगा। नहीं, राकेश जी तो लखीमपुर हैं। हाँ, अभी जो गौरव टिकैत जी आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।